थे तो भैया हमारे ब्लॉग देखते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा भैया को बोल देती हूँ कि भैया हमारे चैनल को प्रमोट कर दे, ठीक है। बाकी मिलते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। गाइस, आज हम अपने पापा से आपको मिलाने वाले हैं, और पापा है ना बहुत ज़्यादा अकेले हैं, और सुकेश को अगर मैं उनके साथ मिलाना हूँ तो उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत खुशी एक आ जाती है। तो इसलिए मैं हफ्ते में कोशिश करता हूँ कि उनके पास आ जाऊँ और थोड़ा बहुत उनके चेहरे पे खुशी लेके आ सकूँ। तो मैं मेरा यही इंटर रहता है। और देखो, आज हम जाने वाले हैं उनके पास, और ब्लॉग कैसे लेके प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और अपना सपोर्ट भी देना। हम बैठे रहे और काफ़ी सारी बातें हुई हमारे बीच में, हवाई संगम खड़ी है, तो 1.5 घंटे हम बैठे रहे, उसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ से। और अब मेरे को लगी है भूख, ठीक है। तो मैं सोचा थोड़ी सा गुरुद्वारे जाऊँगा यहाँ से, मेरा ठीक आ रहा है। अब मैं अब यहाँ 5 मिनट रिकॉर्ड करूँगा। काला आ रहा है। तो पापा से हमारी काफ़ी ज़्यादा बातें हुई, यहाँ वहाँ की बातें हुई, उन्होंने तो मतलब घर के बारे में हाल चाल लिया, और उनको भी थोड़ा अच्छा सा लग जाता है, आते जाते रहते हैं ना हम। तो बस फिर मैंने सोचा क्यों ना हम आ जाते हैं, और साथ में यहाँ पर मनसा देवी पड़ता है तो थोड़ा सा अच्छा होता है कि हम आते हैं, उनके भी दर्शन हो जाते हैं मनसा देवी माँ के। और अभी हम आ रखे हैं गौशाला में, पापा से मिल गया, हमने काफ़ी देर बात करी, काफ़ी सारी बातें हुई हमारे बीच में, और अब जा रहे हैं यहाँ से। अब भूख लग रही है बहुत तेज से यार, कुड़ी सब गुरुद्वारा जा रहे हैं हम, वहाँ पे जाके कुछ भंडारा वंडारा खाएंगे फिर जाएंगे सीधा घर। और तुलसी का पौधा लेना था, इसके पीछे मैंने लिया नहीं, जोर में ही डाल रहा हूँ तुलसी के पौधा लेने के लिए, और ये तो कुछ कर ही नहीं रही है, ठीक है। मैं जो मर्जी हो तुलसी का पौधा लेके जाऊँगा। तो वीडियो में बने रहना, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। गाइस, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस, हम आ गए गुरुद्वारे में, और आते ही है ना गुरुद्वारे में, मतलब वहाँ पर जो बैठते हैं पहरेदार, उन्होंने पूछ लिया ब्लॉग बनाते हो आप, वही हो ना, देख लो। मतलब हम YouTube से थोड़े बहुत YouTube से जाने जा रहे हैं अपने आमने सामने में ही, और मतलब काफ़ी सारे लोग हमें YouTube से जान रहे हैं। और अभी हम आए हैं गुरुद्वारे में, देखो, चलो चप्पल खोलने के लिए जा रहे हैं, चलो। वैसे ना हम काफ़ी खुश नसीब है कि हमारे आमने सामने इतने अच्छे अच्छे प्लेस है जहाँ पे हम जाके मतलब इन्जॉय भी कर रहे हैं, इतने धार्मिक प्लेस हैं। क्योंकि लोगों के लोग तो ऐसे ऐसे जगह बस रखे हैं जहाँ पे उनको सांस लेनी बहुत मुश्किल है, ठीक है। देखो पीछे देखो कितना अच्छा सा बना हुआ डिजाइन, तो यार यहाँ पे मैं जब जब आता हूँ ना काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, जो यहाँ पे डेकोरेशन होता है, जो हर चीज़ यहाँ पे मेंटेनेंस कर रखी होती है, मतलब हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है। और प्लस जैसे नोएडा खान में है ना क्राउड ज़्यादा है, पर यहाँ पे शांति है, आपको यहाँ पे एकदम अच्छा सा फील होएगा, शांति शांति सा फील होएगा, ठीक है। और पीछे से देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है भाई। मैं कहूँगा ना अगर आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए तो आप कुड़ी साहब गुरुद्वारा हो, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने मैंशन कर रखा है, बना रखा है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से उनको देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। और ये रहे हमारे जूते घर, अब हम जा रहे हैं जूता घर में, इसमें हम अपने चप्पल निकाल के पहन के फिर जाएंगे हम घर पे, चलो। तो गाइस, आज के हमने सारे टास्क पूरे तो कर दिए हैं, बस आज का वो तो रहेगा तुलसी का पौधा, वो भी हम बहुत जल्दी लेके और फिर जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़े ब्लॉग में बने रहना, ठीक है। गाइस, आज हमने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है। तो मैंने पायल ले ली है, और देखो मैंने अल्लाह के पहने ली, पुरानी मेरे पास ऐसी पायल है वो पुरानी हो गई है, मेरे को ऐसी ही पसंद है, तो मैं ये आप पता है कितने रुपए की, इतनी सस्ती है ना, सिर्फ और सिर्फ आप बताओ चलो कमेंट करके, ये आपके एरिया में कितने 2 रुपए की, 2 रुपए की, कैसी लगी मेरे पायल, 2 रुपए की पायल आए, ये सिर्फ आप बताओ पहले कितने रुपए की हो सकती है, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी कि ये कितने रुपए की है। उन्हें क्या पता होगा, वो तो सोचते कि पता नहीं इसने मांग मूंग लिया हो, क्योंकि पैसे देने वाले तो कहीं से लग नहीं रही है, ठीक है गाइस। तो ब्लॉग में आप बने रहना, हम बस आज का वैसे हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया आज के दिन को, आज क्या दिन है, तीज है, हाँ तीज को हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, हमने तो ऐसे इंजॉय करते हैं, और आपके में कैसे इंजॉय करते हैं वो आप कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ब्लॉग अच्छा उसको लाइक शेयर कमेंट करके बता देना और सपोर्ट भी करना, सो मानते हैं, नहीं बाय बाय। वाह यार, ऐसे ले लेना जो थोड़ा घना सा हो, हाँ ये ठीक है ना। तो गाइस हमें तुलसी का पौधा मिल गया है, हाँ दे दो, जाओ पैसे कटाओ, ये पकड़ो मेरे हाथ नीचे रख दो ना। तो दोस्तों हमने तुलसी का पौधा ले लिया है अपना, और ये हमें मिला 40 रुपए का,
तो फाइनली हमें तुलसी का पौधा मिल गया है। और हमें लग रहा था बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, पापा कहते हैं 150-200 रुपये का मिलेगा, 50-100 रुपये का, तो सस्ता मिल गया। तो देखो भाई सब तुलसी का पौधा मिल गया, जैसा लेना था वैसे मिल गया, और इतना छोटा है कि मैं इसको घर में किसी में जाके सबसे पहले लगाऊंगा। और हमारा आज का टास्क जो था सारे कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर कमेंट करके बताना वीडियो कैसी है और सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय। और ये है हमारा, हमारे यहाँ का, इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, अभी याद नहीं आ रहा। ये यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं, ये है पता नहीं मेरे को, नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, अभी दिमाग में था अचानक निकल गया। तो नर्सरी पता नहीं ऐसे कुछ कहते हैं इसको, ठीक है। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करिए जरूर। चलो भैया बोलो हमारे चैनल को प्रमोट करो कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब ब्लॉग है हमारा चैनल का नाम, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर और कमेंट करना, और इनकी वीडियो अच्छी होती है आप भी देखना, आप भी देखना वीडियो इनकी। अरे मत बता देना। चलो दोस्तों भैया कह रहे हैं कि वीडियो इनकी अच्छी होती है, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियो, मतलब हमारी वीडियो सारी अच्छी होती है, आप देखा करो हमारी वीडियो, ठीक है। तो हम गुरुद्वारे आए थे तो भैया हमारे ब्लॉग देखते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा भैया को बोल देती हूँ कि भैया हमारे चैनल को प्रमोट कर दे, ठीक है। बाकी मिलते हैं वीडियो में, बाकी थैंक यू सो मच, बाय।